आज आपके सामने गवर्नेंस के दो मॉडल हैं। आपको तय करना है कि आप कौन सा मॉडल चाहते हैं। एक मॉडल है इन दोनों पार्टियों का। इस मॉडल में सरकारें घाटे में चलती हैं, जम के भ्रष्टाचार होता है, स्कूल बर्बाद हैं, अस्पताल बर्बाद हैं, बिजली महंगी है और पावर कट लगते हैं। दूसरा मॉडल है नफे में बजट है, शानदार स्कूल बन रहे हैं, शानदार अस्पताल बन रहे हैं, बिजली मुफ्त है और 24 घंटे बिजली है। आप तय कर लो आपको कौन सा मॉडल चाहिए। अगर हम बिजली मुफ्त कर रहे हैं, आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं अगले 5 साल के अंदर किसी भी चीज के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, आपसे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेंगे, हम एक्स्ट्रा लोन नहीं लेंगे। कहां से लाएंगे पैसा? चोरी रोकेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे। भ्रष्टाचार रोक के अगर पैसा बचाएंगे और आपकी जेब में डालेंगे तो आप तो खुशी हो गए। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी की कमी कुछ इलाकों में देखी जा रही है और उसको भाजपा के लोग अलग अलग तरीके से उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि दिल्ली को जो पानी मिलता है उसका बड़ा हिस्सा हरियाणा राज्य से आता है और हरियाणा से आने वाले पानी को हरियाणा की भाजपा सरकार ने जानबूझ के राजनीतिक कारणों से पानी को रोका हुआ है और लगभग 100 MGD पानी, मतलब करीब 100 मिलियन गैलन पर डे का पानी जो है वो दिल्ली में कम आ रहा है। अब अगर आप दिल्ली की पूरी जलापूर्ति देखें तो 900 MGD पानी जो है वो दिल्ली की कुल खपत होती है, उसमें से 100 MGD अगर पानी नहीं आता है, मान लीजिए लगभग 10% पानी जो है दिल्ली का कम कर रखा है। 2 करोड़ की आबादी भी मान लें तो मान सकते हैं 20 लाख लोगों का पानी जो है भाजपा सरकार ने रोक रखा है।